नेक्स्ट लेक्चर है, इसके अंदर हम फोकस करेंगे कि हमने अब दो तरह से चीज़ों को देखा है कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू यूज़र को बताते हैं, या कुछ अपने बिजनेस या अपने आइडिया के रिलेटेड लोगों को बताते हैं। वो कैसे बताते हैं? HTML ने हमें बहुत सारे डिफरेंट टैग्स दिए हुए हैं जिसके अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं, जैसे H1 टैग है, P टैग है और इस तरह के बहुत सारे और टैग हैं। फिर कुछ टैग्स ऐसे हैं जिसमें हम लिस्ट बना सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं, हम लिंक लगा सकते हैं, हम इमेज लगा सकते हैं, वीडियो ऑडियो, इस तरह के बहुत सारे टैग्स जो हैं वो HTML ने हमें प्रोवाइड किए हुए, जिसका उन सब का मकसद एक ही है, और वो मकसद ये है कि हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाएं, डिस्प्ले करें, अपने आइडिया को यूज़र को एक्सप्लेन करें। लेकिन इसके बाद जो है वो जो सेकंड टाइप ऑफ टैग्स हैं, लिंक, हम चूंकि वेब 2.0 में हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो टू वे कम्युनिकेशन होती हैं, जैसे हम जिस तरह एज एन वेबसाइट ओनर हम यूज़र से बात कर रहे हैं ना, हम उसको H1 में अपनी बात बता रहे हैं, P टैग में अपनी बात बता रहे हैं, इस तरह वेबसाइट को हम अपनी बात बता सकते हैं, वो उसके लिए हम यूज़र से इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर यूज़र हमें अपनी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, पहले ऐसे नहीं होता था, पहले वन वे कम्युनिकेशन थी, जब वेब 1.0 थी उसमें क्या होता था कि हम सिर्फ यूज़र की इंफॉर्मेशन, यानी हम सिर्फ यूज़र को इंफॉर्मेशन दिखा सकते थे, यानी H1, P टैग और टेबल और इमेजेस, वीडियोज, इस तरह की चीज़ें थी। यूज़र कुछ भी पुट नहीं कर सकता था, यूज़र हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे नहीं सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वेब 2.0 में यूज़र भी इंफॉर्मेशन हमें दे सकता है जो पर्सन वेबसाइट बना रहा है, यानी मेरी वेबसाइट है तो अगर मैं यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं ले सकता हूँ। जिस तरह अगर कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आया है, उसने हमें देखा है, वो हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म है, तो वो यानी उसके अंदर यूज़र टाइप कर सकता है, कुछ भी अपनी बात लिख सकता है। इसी तरह कोई यूज़र जो है अपनी कोई ऐसे लिखना चाहता है या कोई भी बात अपनी, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप किसी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन जिसकी वेबसाइट है उसको देना चाहते हैं, तो ये सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेशन है। एक वे क्या है कि हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं जो वेबसाइट बना रहा है, दूसरी क्या है कि यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन हमें देता है, तो वो कैसे देता है, उसके लिए एक अलग किस्म के टैग्स हैं जिसको हम फॉर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉर्म्स। फॉर्म के अंदर जैसे अक्सर हमने फॉर्म देखा, जैसे असाइनमेंट का फॉर्म आप लोगों ने देखा होगा जिसको आप फिल करते हो, जिसमें यूज़र टाइप कर सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन लिख सकता है, वो फॉर्म्स HTML में कैसे बनते हैं ये हमें अंडरस्टैंड करना। अच्छा, अब जिस तरह हम यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं तो बहुत सारे टैग हैं, वो क्यों हैं? ताकि यूज़र की आसानी के लिए ये बात को ईजी समझ सके। इसी तरह जब हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन लेंगे तो क्या एक ही टैग होना चाहिए या बहुत सारे टैग होने चाहिए? बहुत सारे टैग होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है समटाइम कभी बड़ी ऐसे टाइप की चीज़ यूज़र लिखना चाहता है, समटाइम उसने नाम लिखना है, समटाइम उसने ईमेल लिखनी है, समटाइम उसने जो है फाइल अपलोड करनी है, समटाइम उसने जो है वो ड्रॉपडाउन में से यूज़र सेलेक्ट करेगा, समटाइम ऑप्शन चूज करना है। तो यानी हम जिस तरह इंफॉर्मेशन बहुत सारे तरीकों से यूज़र को दिखाना चाहते हैं, इसी तरह यूज़र को भी हम ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो मल्टीपल टैग्स को यूज़ करते हुए हमें इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें जिस तरह की हम उससे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। सही है? अच्छा, ऐसा अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक टैग लगाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म। क्या बोलते हैं? फॉर्म। अच्छा, इस पर एक एट्रीब्यूट एक्शन लगा हुआ है, उसको फिलहाल मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि उसका अभी हमें मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, इट्स जस्ट अ सिमेंटिक टैग, मतलब इस फॉर्म के टैग के लगाने से या ना लगाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक समझो सिमेंटिक टैग है, जिसका मतलब ये है कि इस टैग के अंदर आने वाली सारी इंफॉर्मेशन हम यूजर से इनपुट लेंगे, या ये एक फॉर्म है। अच्छा, सबसे पहले हम एक टैग पढ़ेंगे इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट का टैग। अच्छा, इस इनपुट के टैग के अंदर हमारे पास जो है, अगर हम इसको ऐसे लगा दें फॉर्म इनपुट, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको अगर हम लगाते हैं और गो लाइव पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इनपुट का टैग लगाया तो यहाँ पे क्या बन गया, एक इनपुट बॉक्स बन गया, इसमें यूज़र कुछ भी टाइप कर सकता है। तो अभी तक हमने क्या किया, फॉर्म का टैग लगाया जो कि एक सिमेंटिक टैग है, होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है, उसके अंदर एक इनपुट का टैग बनाया, इनपुट क्लोजिंग कर दिया उसको। अच्छा, लेकिन अगर आप ये चीज़ समझो कि इस इनपुट के अंदर
यहाँ पे मैंने ये इनपुट लगाया, अब हम एक और इनपुट लगाते हैं, इसको क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे दो तीन दफा। अब ये इतने इनपुट हो गए, क्या टेक्निकली आपको बात समझ आ रही है कि किस इनपुट में यूजर को क्या एंटर करना चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ इनपुट का टैग लगाना इनफ नहीं है, इसको हमें कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ताकि यूजर समझ सके कि इस इनपुट में उसने क्या लिखना है। अच्छा, ये चीज करने के लिए हमें इनपुट का टैग बोलता है कि आपके पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं टाइप। क्या बोलते हैं? टाइप। अगर यूजर से हम कोई टेक्सचुअल डाटा लेना चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं टाइप टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? टाइप टेक्स्ट। अच्छा, अभी भी अगर हम देखें तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा होगा, पहले भी इसी तरह आ रहा था, अभी भी वैसे ही आ रहा है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और एट्रीब्यूट है जिसको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या बोलते हैं? प्लेस होल्डर। इसमें हम लिख सकते हैं इंटर नेम। क्या आप लिख सकते हैं? इंटर नेम। अब यहाँ पे मैं देखूँ तो इसमें नाम जो है वो आ रहा है, इसमें लिख सकते हैं नाम, तो वो नाम आ जाएगा, समझ रहे हो? इंटर नेम के अंदर हम नाम लिख पा रहे हैं, तो अब इसकी मीनिंग ज्यादा बन गया। तो एक इनपुट का टैग है, सही है, वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, उसमें मैंने दो आपको चीजें दिखाई हैं, एक टाइप टेक्स्ट और दूसरा प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर का मतलब क्या होता है? ये ऐसा टेक्स्ट होता है जो अगर हम पेज को रिफ्रेश करें तो बाय डिफॉल्ट नजर आता है, लेकिन जैसे हम लिखना शुरू करते हैं तो वो खत्म हो जाता है, सही है? तो ये जस्ट यूजर की हेल्प के लिए है कि इसके अंदर यूजर ने क्या लिखना है। अच्छा, टाइप टेक्स्ट का मतलब क्या है कि ये इनपुट के अंदर हम क्या चीज इंसर्ट कर सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, इसको हम टाइप टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास जो है वो इनपुट टाइप जो है पासवर्ड कर दें, तो अब बाकी सारा कुछ सेम है, टाइप के अंदर वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? पासवर्ड। प्लेस होल्डर में हमने लिख दिया एंटर पासवर्ड। अच्छा, अब यहां पे पासवर्ड लिखा आ रहा है, लेकिन अगर आप यहां पे एंटर करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों में अब क्या फर्क है? इसमें टेक्स नजर आ रहा है, इसमें टेक्स हाइड हो जाता है, क्योंकि पासवर्ड लिख रहे हैं ताकि साथ बैठा हुआ पर्सन हमारे पासवर्ड को रीड ना कर सके। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने इनपुट टाइप को की वैल्यू को क्या कर दिया? सेट पासवर्ड। तो समझो एक इनपुट टैग है, उसके ऊपर एक टाइप का एट्रीब्यूट है, हर टाइप के एट्रीब्यूट की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, हर वैल्यू चेंज होने पे उसका सेमेंटिक स्ट्रक्चर चेंज, यानी उसका स्ट्रक्चरल इफेक्ट चेंज होगा। अगर टाइप टेक्स्ट है तो यूजर उसमें टेक्स्ट लिख सकेगा, अगर टाइप पासवर्ड है तो यूजर उसमें पासवर्ड लिख सकेगा, टाइप रेडियो है तो उसमें यूजर सिलेक्शन कर सकेगा, टाइप जो है वो नंबर है तो यूजर उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लिख सकेगा, टाइप अगर उसमें यूआरएल है तो यूजर उसमें यूआरएल इंसर्ट कर सकेगा, टाइप सर्च है तो यूजर सर्च कर सकेगा। तो यानी एक ही इनपुट टैग को उन्होंने बहुत सारे मकसद के लिए इस्तेमाल किए। जिस तरह हमारे पास 6 टैग हैं हेडिंग को शो करने के लिए H1, H2, H3, लेकिन वो प्रॉपर टैग हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक ही टैग इनपुट को मल्टीपल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करते हुए। अच्छा, अगर वो चाहते तो वो कर सकते थे, यानी मल्टीपल इनपुट्स बना देते, यानी जैसे इनपुट टैग्स बना देते, इनपुट नंबर बना देते, इनपुट रेडियो बना देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब इनपुट की जो शेप है ना वो सेम नजर आ रही है। जैसे अगर आप देखें इन दोनों की शेप क्या है, सेम है। तो उसने कहा कि रेदर देन कि मैं पूरा टैग का नाम चेंज करूं, तो इसकी फंक्शनैलिटी चेंज करनी है ना, यानी यूजर लिखे तो वो पासवर्ड शो और यूजर लिखे तो वो टेक्स्ट शो, तो उसने इस छोटी माइनर चेंज को एट्रीब्यूट से हैंडल किया रेदर देन टैग बनाया। तो क्या है कि हमारे पास अगर हमने यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टैग्स अवेलेबल हैं। एक तो यानी टैग ही डिफरेंट अवेलेबल है, जैसे हमारे पास इनपुट का टैग है, ऐसे हमारे पास सिलेक्ट का टैग है, टैक्स एरिया का टैग है, और इसी तरह एक टैग के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशन है टू गेट द डेटा, बस समझे। अच्छा, पहले हम रेदर देन एक ही वेरिएशन को डिस्कस करें, हम पहले मल्टीपल टैग्स को डिस्कस करेंगे ताकि समझ आए। इनपुट का टैग समझो, यूजर से इनपुट लेने के लिए टैक्स। इसी तरह एक और टैग मैं आपको दिखाता हूं, उसका नाम क्या है, उस टैग को हम बोलते हैं टैक्स एरिया। क्या बोलते हैं? टैक्स एरिया, इंटर टैक्स। अच्छा, अब ये इन दोनों में क्या फर्क है? साइज का। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये इसमें हम ज्यादा सारा टैक्स लिख सकते हैं, इसमें हम ज्यादा सारा टैक्स नहीं, अगर हम लिखेंगे भी तो ये आगे आगे जाएगा, लेकिन इसमें हम लिखें तो वो ज्यादा जा सकता है।
इसमें दो प्रॉपर्टीज है नेम आईडी, उसको हम फिलहाल खत्म कर रहे हैं, तो हम इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 40। अभी देखो कितना बड़ा टेक्स्ट एरिया बन गया, या इसको 20 कर देते हैं और कॉलम कर देते हैं 20। थोड़ा सा और कम करके 5 करके देखते हैं थोड़ा, ताकि रीजन अब समझ आ रही है। यानी अगर इसमें एक ऐसे टाइप हम टाइप कर पा रहे हैं, इसमें जस्ट हम क्या कर रहे हैं टेक्स्ट लिख रहे हैं लेकिन वो आगे को जाई जा रहा है, हिडन हाइड हो जा रहा है, लेकिन इसके अंदर हम बड़ा सारा टेक्स्ट एरिया बना सकते हैं। तो अब हमारे पास एक इनपुट का टैग आ गया, एक टेक्स्ट एरिया, यानी ये टैग ही मुख्तलिफ है, ये ऐसा नहीं है कि इनपुट की टाइप को उसने टेक्स्ट एरिया किया, यहाँ पे टैग ही चेंज है, जिस तरह H1, H2, H3 इस तरह टैग मुख्तलिफ है, इस तरह यहाँ पे भी फार्म के अंदर टैग ही चेंज है। इसी तरह अगर हमने ड्रॉप डाउन बनानी है तो हमारे पास सिलेक्ट का टैग है, कौन सा टैग है सिलेक्ट, और उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस का टैग है, तो सिलेक्ट ऑप्शन। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन बन जाता है, उसमें से हम कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। तो सिलेक्ट एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर ऑप्शन भी एक ओपनिंग क्लोजिंग टैग है, उसके अंदर ऑप्शन के ओपनिंग क्लोजिंग टैग में जो भी हम डालेंगे वो हमें ड्रॉप डाउन में यहाँ पे नजर आएगा। तो अभी के लिए हम वैल्यू को खत्म कर देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो अब तीन तरह के, जिस तरह हमने इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए मल्टीपल टैग्स पढ़े थे, तो अब हमने यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके मैंने आपको तीन तरह के टैग दिखा दिए। एक को क्या बोलते हैं इनपुट टैग, जिससे यूजर इनपुट कर सकता है सिंपली, दूसरा टैक्स एरिया, और तीसरा सिलेक्ट का टैग। अच्छा, इस तीन तरह से हम मुख्तलिफ तरह का डाटा यूजर से इनपुट ले पा रहे हैं, ड्रॉप डाउन बना पा रहे हैं, टैक्स एरिया से टैक्स ले सकते हैं, इंटर नेम से हम इंटर नाम कर सकते हैं। अच्छा, अब जिस तरह के टैग मुख्तलिफ हैं, इसी तरह इनपुट का एक टैग भी बहुत सारे काम करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे अभी हमने लगाया था टाइप पासवर्ड, वो क्या करती है पासवर्ड को एंटर करने के लिए हमें हेल्प करती है। अच्छा, इसी तरह अगर हमारे पास टाइप है उसका नाम है ईमेल, टाइप क्या है ईमेल, इसका मतलब क्या होगा, इसमें यूजर अपनी ईमेल लिख सकता है, यानी एट द रेट हम इसमें डाल सकते हैं, अगर एट द रेट नहीं आएगा तो वो उसको एरर देगा। तो है ये इनपुट ही नाम की तरह ही चलता है, बस इसमें ये है कि हमें ईमेल इनपुट करनी है, तो उसके लिए टाइप क्या है हमारे पास ईमेल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइप नंबर, इसका क्या मतलब होगा, यूजर इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकता, सिर्फ नंबर लिख सकता है, यानी हम ए बी सी नहीं लिख पा रहे इसके अंदर, मैं लिख भी रहा हूं तो ये लिखा नहीं जा रहा, सिर्फ नंबर लिख सकता है, तो टाइप नंबर से नंबर, ये है सारे इनपुट, यानी साइज इनका सेम है लेकिन उनकी टाइप से वेरिएशन आ रही है। टाइप टेक्स है तो नेम बन गया, टाइप पासवर्ड है तो पासवर्ड क्रिएट हो गया, टाइप ईमेल है तो ईमेल बन गया, टाइप नंबर है तो नंबर क्रिएट जो है वो हो गया। अच्छा, उसके बाद टाइप डेट, प्लेस और एंटर डेट, टाइप डेट। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे कैलेंडर बन जाएगा, यानी आप यहाँ पे ये, इसमें मैं कुछ लिख नहीं सकता, सिर्फ डेट एंटर कर सकता हूँ, या मेरे पास यहाँ कैलेंडर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूँ तो मेरे पास एक फुल फ्लेज कैलेंडर आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, सिर्फ टाइप डेट करने से, अगर टाइप डेट करेंगे तो ये पूरे का पूरा हमारे पास कैलेंडर बन जाए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप टाइम, इसमें क्या होगा कि टाइम, जिस तरह हम यहाँ पे डेट चूज कर पा रहे हैं, यहाँ से हम टाइम चूज कर पाएंगे ए एम पी एम के अंदर, ठीक है, हमारे पास टाइप जो है वो टाइम आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इनपुट के अंदर और एक और टाइप होती है कलर, इसका क्या मतलब होगा कि हम कलर पैलेट चूज कर पाएंगे यहाँ से, यानी मैं कोई भी कलर चूज कर सकता हूँ, रेड करना है मैंने, ग्रीन करना है, ब्लू करना है, कोई भी कलर मैंने चूज करना है तो वो कर सकता हूँ, उसके लिए टाइप क्या है कलर। अच्छा, उसके बाद टाइप रेंज, इससे क्या कर सकता हूँ कि मैं ये रेंज बना सकता हूँ, यानी स्लाइडर अक्सर आपने देखा होगा ना, क्लियर के नीचे सॉन्ग वगैरह के नीचे आ रहा होता है, तो उसको हम ये रेंज बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टाइप रेंज। अब देखिए, एक इनपुट के अंदर सिर्फ एक टाइप का हम चेंज कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट,
तो टाइप नेम कर रहे हैं तो वो डिफरेंट वर्क कर रहा है, टाइप टेक्स्ट कर रहे हैं, टाइप पासवर्ड कर रहे हैं, टाइप रेंज कर रहे हैं, डेट टाइम, और उसके बाद हमने ईमेल किया, पासवर्ड किया, नंबर किया, तो उसकी उसके अंदर डाटा के इनपुट की टाइप चेंज हो जाती है। इसमें टेक्स्ट पा रहे हैं, पासवर्ड, ईमेल, नंबर, डेट आ सकती है, टाइम आ सकता है, रेंज आ सकती है, और यहाँ से हम रेंज डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो टाइप फाइल, इसमें क्या होगा कि हम सिस्टम से फाइल चूज कर पाएंगे। जैसे मैंने ये आपकी असाइनमेंट चूज करनी है तो मैं इस चूज कर पाऊंगा, चूज यहाँ पे मुझे सारे फोल्डर नजर आ जाएंगे, उसमें से मैं कोई भी फाइल चूज कर पाऊंगा, क्लिक करूंगा तो वो फाइल चूज हो जाएगी, सही है। तो इसके लिए क्या है, इनपुट टाइप फाइल। अच्छा, उसके बाद मेरे पास इनपुट टाइप चेकबॉक्स, ये क्या करेगा, मुझे यहाँ पे चेकबॉक्स बना देगा। चेकबॉक्स का मतलब क्या होता है, क्लिक करना या सेलेक्ट करना, अनक्लिक या क्लिक करना, तो चेकबॉक्स भी इसी से बनता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, टाइप रेडियो, ये क्या करेगा, ये गोल दायरा बना देगा, ये जैसे चेक कर रहा है ना, ये गोल दायरा बना रहा है, समझ रहे हो। चेकबॉक्स से चोरस चेकबॉक्स बनेगा और रेडियो से सर्कल बनेगा, दायरा बनेगा, सही। इसके अंदर और भी चेंजेस हैं लेकिन अभी के लिए इससे आप समझें। अच्छा, टाइप ईमेल, नंबर, डेट, कलर, रेंज, फाइल, चेकबॉक्स, रेडियो, टाइप सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट से आपको ये बटन, जिस तरह बटन के टैग से हम बटन बनाते हैं, शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं, BTUN बटन का एक टैग होता है, हम उससे बटन बना सकते हैं, बटन ओपनिंग क्लोजिंग टैग, इससे हम एक बटन बना सकते हैं, जैसे ये सबमिट का मैंने बनाया, सही है। इसको मैं बटन लिख देता हूँ और यहाँ पे हम लिख दें इनपुट बटन। अगर आप देखें तो ये दोनों एक तरह के नजर आ रहे हैं ना हमें, सॉरी। अच्छा, टाइप सबमिट के अंदर यहाँ पे भी देखो वही बटन बन गया, इसमें भी तो बटन टैग से हम भी बटन बना सकते हैं, या इनपुट टाइप बटन कर, इनपुट टाइप सबमिट करके भी बटन बनाया जा सकता है, तो इससे भी हम बटन बना सकते हैं। अच्छा, रीसेट से भी बटन बन जाता है, ये भी एक बटन ही है, इनपुट टाइप रीसेट उसको बोलते हैं। इनपुट टाइप बटन से भी बटन बनता है। इनपुट टाइप इमेज, इससे क्या करते हैं, हम इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे, एक इनपुट टाइप इमेज से इमेज बनाई जा सकती है, जिस तरह इमेज सोर्स से बनाया जा सकता है। इनपुट टाइप हिडन, इससे क्या होता है कि आप एक हिडन इनपुट बना सकते हैं, जो नज़र नहीं आती लेकिन वो इनपुट एग्जिस्ट करती है। इनपुट टाइप सर्च, जिस तरह हमारे पास ये, जिस तरह हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये उसी तरह सर्च है, लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, यहाँ पे उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो सारा टेक्स्ट खत्म हो जाता है। ये क्यों है, क्योंकि इनपुट टाइप हमने क्या रखी है, सर्च रखी है। इनपुट टाइप टेलीफोन, इससे क्या होगा, हमारे पास हम इसमें नंबर एंटर कर पाएंगे, लाइक टेलीफोन नंबर एंटर कर पाएंगे इसमें, प्लस वन समथिंग लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद इनपुट टाइप यूआरएल, इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम यूआरएल कोई भी एंटर कर पाएंगे। इनपुट टाइप वीक, इससे क्या होगा, हम वीक वाइज कोई भी चीज कैलेंडर से ले पाएंगे, जैसे 20, 30, 40 वीक, कौन सा वीक नंबर चल रहा है, हम ईयर के सारे वीक हमें शो होने लग जाएंगे, उसमें से कोई भी वीक सेलेक्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो इनपुट टाइप वीक से ये चीज़ होती है। इनपुट टाइप मंथ से क्या होगा, मंथ सेलेक्ट कर पाएंगे। इनपुट टाइप डेट टाइम, लोकल से वही डेट टाइम इकट्ठा सेलेक्ट हो सकता है। इनपुट टाइम डेट से तो सिर्फ डेट हो रही थी, टाइम से सिर्फ टाइम हो रहा था, डेट टाइम से दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम सेट हो सकती हैं। बस इतने ही ऑलमोस्ट टैग हैं जो इनपुट के अंदर हमने पढ़ने थे। अब एक दफ़ा सारे दोबारा देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये किस लिए इस्तेमाल होगा, टेक्स्ट के लिए, सिंपल यूज़र से नेम वगैरह लेना है। तो इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप ईमेल, ईमेल के लिए। इनपुट टाइप नंबर, इससे क्या होगा, सिर्फ ओनली नंबर इनपुट हो सकता है। इनपुट टाइप डेट से, यूजर से डेट इनपुट हो सकती है। टाइम से, टाइम। कलर से, कलर पैलेट चूज हो सकता है। और रेंज से,
वो स्लाइडर चल जाता है, फाइल से सिस्टम से फाइल चूज अगर करवानी है तो फाइल से फाइल आती है। हाँ वो हमें लगाना है, वो इस तरह अगर हम लगा भी देंगे तो वो आएगा नहीं इससे ना, यानी चेक बॉक्स के आगे हम प्लेस ऑर्डर लगा भी दें यहाँ पे जैसे मेल, तो उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए यानी हमने देखा था ना कि हर एट्रीब्यूट, जरूरी नहीं कि हर एक टैग पे ही चले, तो ये वाला एट्रीब्यूट चेकबॉक्स पे नहीं चलता, इसलिए वो हम लगाएंगे लेकिन डिफरेंट तरीके से। अभी दिखाता हूँ मैं, इनपुट टाइप रेडियो से क्या होता है, गोल बटन शो होता है। इनपुट टाइप सबमिट से सबमिट का बटन शो हो जाता है। इनपुट टाइप रीसेट से रीसेट, हिडन क्या करता है इनपुट टाइप, इनपुट शो नहीं होती लेकिन वो हिडनली अवेलेबल होती है। सर्च से सर्च कर सकते हैं, इसमें क्या टेक्स्ट और सर्च में क्या फर्क होता है, इसमें क्रॉस का ऑप्शन आ रहा होता है, ऐसे ही है ना। अच्छा उसके बाद हमारे पास है इनपुट टाइप टेलीफोन से फोन नंबर एंटर कर सकते हैं। इनपुट टाइप यूआरएल से लिंक लगा सकते हैं। इनपुट टाइप वीक से वीक वाइज इनपुट हो सकती है। इनपुट टाइम मंथ से मंथ ले सकते हैं। डेट टाइम से डेट एंड टाइम दोनों इकट्ठे एंटर हो सकते हैं। अच्छा अब नॉर्मली जब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा ना, ये इस पे मैंने टेक्स्ट लिखा यहाँ पे, तो क्या हुआ कि जो इवन इस पे प्लेस होल्डर लिखा भी हुआ था वो ख़त्म हो गया ना। अब मुझे पता नहीं लग रहा कि ये नेम है या ये नेम है, इन दोनों में से ईमेल कौन है और नेम कौन है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी दूसरा टैग यूज़ कर लें, जैसे H1P टैग या B टैग, कोई भी टैग यूज़ कर लें। लेकिन इनके लिए इन्होंने स्पेशल एक टैग बनाया, उसको इनको बोलते हैं लेबल टैग। क्या बोलते हैं, लेबल टैग। तो हम बोलेंगे यहाँ पे नेम। अच्छा अगर लेबल टैग से नेम लगाएंगे ना, तो क्या होगा कि अगर मैं नेम लिख भी दूँ तो यहाँ पे @ नेम या नेम कॉलन लेबल जो भी है वो लिखा रहेगा। उसका फ़ायदा ये है कि वो ऑलवेज विजिबल रहेगा। अच्छा उसके बाद BR टैग का हमें पता है वो क्या करता है, लाइन ब्रेक कर देता है। तो हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं BR टैग से ताकि हमें विजिबिलिटी आती रहे। अच्छा पासवर्ड के बाद भी फिर लेबल लगा देंगे पासवर्ड, और उसके बाद भी एक लाइन लगा देंगे ताकि वो न्यू लाइन से शुरू हो जाए। उसके बाद फिर एक लेबल आ जाएगा ईमेल और BR, और फिर लेबल आ जाएगा और उसके बाद फिर BR। तो ये नेम पासवर्ड ईमेल नंबर डेट आता जा रहा है, सही है। BR आ गया, उसके बाद फिर लेबल आ गया, फिर BR। मैंने सबके ऊपर लेबल लगा देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए कि कौन सा फॉर्म जो है वो कब, उसका मीनिंग क्या है। जी यहाँ तक हमने सारा फॉर्म बना दिया, नेम ईमेल नंबर रेंज ईमेल, उसकी टाइप को ही मैंने साथ साथ लगा दिया ताकि हमें समझ आए कि हम क्या चीज़ जो है वो देख रहे हैं। अगर ये इनपुट के सारे टैग इनलाइन है इसी वजह से हमें BR लगाना पड़ रहा है, अगर ये ब्लॉक लेवल होते तो फिर ऑटोमेटिकली नीचे नीचे आते ना। चाहिए सारे के सारे अब हमने ऐसे लगा दिए हैं, उसके बाद यहाँ पे भी एक BR लगा देते हैं और इसके आगे भी एक BR लगा देते हैं ताकि सारे नीचे नीचे जो हैं वो आ जाए। तो अब नेम पासवर्ड ईमेल नंबर या जितने भी चीज़ें थे वो सारे नीचे नीचे हमारे पास आ गए। टेक्स्ट एरिया पे भी अगर हम लेबल लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सिर्फ लेबल का टैग ही लगाना है और सेलेक्ट के आगे भी लेबल लगा सकते हैं। अब जितने भी टैग्स थे हमारे उन सब के आगे हमने लेबल लगा दिए। इसका मतलब है कि इसमें नाम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ईमेल एंटर करनी है, फॉर्म एंटर करना है, सॉरी नंबर एंटर करना है, टाइम, कलर, रेंज आ जाएगी, फाइल चूज कर सकते हैं, इमेज रेडियो सबमिट कर सकते हैं फॉर्म, और इमेज का एट्रीब्यूट आ रहा है, हिडन आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी टाइप हिडन है, इसलिए
और सर्च में हम कुछ करें तो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, टेलीफोन में नंबर लिख सकते हैं यूआरएल। टेलीफोन में नंबर में क्या करा गया जो ऊपर टाइप है टेलीफोन का नंबर? यहाँ पे नॉर्मली नंबर में हम प्लस नहीं डाल सकते ना, प्लस वन ऐसे कर करने नंबर में वो नहीं आ सकता, नंबर इज जस्ट यू नो प्राइस और इस तरह की चीज़। तो टेलीफोन का तो सीक्वेंस होता है ना, सम टाइम हम ऐसे भी लिखते हैं +92, लिमिट भी उसी के ऊपर हम आएंगे। वैलिडेशन अब कैसे करनी है, जैसे अब यूआरएल है तो ये तो टेक्स्ट की तरह ही यूआरएल आ रहा है ना, तो इस पर तो वैलिडेशन नहीं हो रही चीज़ें, तो ये वैलिडेशन कैसे करनी है इसको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये रीसेट वाला फॉर्म और ये सबमिट वाला बटन, हाँ इसको जो है वो नीचे थोड़ा ले आते हैं ताकि हमें आइडिया होने लग जाए। ठीक है, तो इसके एंड पे हमारे पास जो है वो सबमिट में सबमिट आएगा और वो कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पे हमने लगाया ना चूज फाइल, तो चूज फाइल में आके इमेज चूज करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। सही है, तो वो फाइल से आएगी, इमेज एक फाइल होती है ना, तो फाइल से चूज करेंगे उसको। अच्छा तो अभी तो वो अभी खूबसूरत तो बनाना है ना, अभी तो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसको डिजाइनिंग करेंगे प्रॉपर, खूबसूरत तो बनाएंगे ना स्टाइल। HTML CSS में यही फर्क था ना, कि HTML तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, CSS के अंदर हम इसको फिर डिज़ाइन करते हैं प्रॉपर। अच्छा जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि अगर यूज़र ने नेम एंटर नहीं किया तो एरर आना चाहिए, अगर ईमेल एंटर नहीं की और करेक्ट नहीं किया तो एरर आना चाहिए, तो हमें थोड़ी वैलिडेशन ऐड करनी है। वो कैसे होगी, वो हम लगाएंगे, एक तो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड, क्या बोलते हैं रिक्वायर्ड, इसका क्या मतलब होगा, ये जरूरी है। अच्छा ये एट्रीब्यूट है या नहीं, कैसे पता लगा आपको? अगर तो नेम और वैल्यू सेम हो तो दोनों चीजें देना जरूरी नहीं है। अब अगर मैंने रिक्वायर्ड इसको किया और सबमिट करने की कोशिश करूंगा तो ये क्या कह रहा है, प्लीज फिल द फॉर्म फॉर्म फील्ड, प्लीज फिल द फील्ड, लाइक मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो कह रहा है इसको फिल करो, इसको फिल किए बगैर आप इसको नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आप इसको कहेंगे कि पासवर्ड के ऊपर भी रिक्वायर्ड लगा देंगे तो उसका क्या मतलब होगा, कि पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है, ईमेल पे भी रिक्वायर्ड लगा देंगे तो उसका क्या मतलब है, ईमेल भी रिक्वायर्ड है। तो अगर हम इस पर सबमिट करते हैं तो वो कह रहेगा रिक्वायर्ड है मैंने इस पर लगा दिया, फिर मैं करूँगा तो वो कहेगा पासवर्ड रिक्वायर्ड है मैंने उस पर भी सबमिट कर दिया, फिर कहेगा ईमेल रिक्वायर्ड है। अब मैंने ईमेल लिखी तो साथ में मुझे एरर दे रहा है कि एट द रेट भी बीच में डालना है, वो अगर हम डालेंगे तो फिर वो ईमेल कंसीडर होगी, अगर हम एट द रेट नहीं डालेंगे तो वो फिर उसको एरर ही कंसीडर करेगा कि ईमेल एंटर करो। जैसे अब हम इसको सबमिट करते हैं तो वो कह रहा है इसमें एट द रेट इंक्लूड नहीं है, तो इसकी वैलिडेशन भी यानी ये खुद से ही परफॉर्म करता है, तो अगर हम ऐसे प्रॉपर ईमेल लिखेंगे तो वो फिर उसको सबमिट करने देगा। ठीक है, अच्छा अब नेम एंटर पासवर्ड ये चीज़ें हमने कर ली, अगर हमने कुछ चीज़ें एंटर की हैं और रीसेट पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, फॉर्म को रीसेट कर देगा। जैसे मैंने ऐसे एंटर किया ना इसमें चीज़ें और रीसेट पे क्लिक किया तो वो सारी चीज़ों को रिमूव कर देगा, रीसेट कर देगा। अच्छा अब एक और चीज़ जो हमें समझनी है ना वो है रेडियो, उसके अंदर चेकबॉक्स में, चेकबॉक्स में क्या हमने एक लेबल लगाया उसको बोलते हैं लेट्स सपोज सब्जेक्ट्स, ठीक है, और इसके अंदर हम सब्जेक्ट के अंदर हम लगा लेते हैं एक सब्जेक्ट, या इसको इधर ऐसे बोलते हैं पी टैग मैंने लगा लिया सब्जेक्ट्स, और उसके अंदर एक लेबल लगाएंगे और उसको बोलते हैं चल, लेबल लगाया इंग्लिश, और एक और हम इस पे लेबल लगा लेंगे और उसको बोलेंगे उर्दू। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इंग्लिश लगाया यहाँ पे उर्दू, तो अब सब्जेक्ट में यूजर इंग्लिश या उर्दू चूज कर सकता है या दोनों चूज कर सकता है, सेलेक्ट है ना, सेलेक्ट में दोनों चूज हो
हो सकते हैं। लेकिन अगर हम रेडियो बटन इसके ऊपर हम एक और हमें पता है कि हम किसी भी टैग के ऊपर एक आईडी का एट्रीब्यूट लगा सकते हैं ना, वो कैसे आईडी उसकी वैल्यू देते हैं, जैसे हम उसको बोलेंगे सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे सिंपली चेकबॉक्स पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया और मैं अभी भी स्टिल जो है ना वो दोनों चेक कर पा रहा हूँ। अच्छा, सेम काम हम करेंगे सब्जेक्ट्स वाला लेकिन विद रेडियो बटन। किससे करेंगे? रेडियो बटन से। तो लेबल सब्जेक्ट्स आईडी उस पर रख दूंगा मैं, मे बी सब्जेक्ट रेडियो ही लिख देते हैं आईडी उस पर। और एक और हम इस पर लगाएंगे उर्दू, अच्छा। अब इसमें देखिएगा कि मैं इन दोनों में से अच्छा अब हमने क्या किया, इनमें से आप देखो या इंग्लिश सिलेक्ट हो रहा है या उर्दू सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों ही सिलेक्ट हो रहे हैं। ये दोनों में से एक कैसे सिलेक्ट हो रहा है, इन दोनों को आपस में बाइंड कैसे करना है, इसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया नेम। कौन सा यूज़ किया है? इन दोनों का नेम सेम होना चाहिए और वो नेम क्या है? सब्जेक्ट। कुछ भी हो सकता है नेम, लाइक नेम ए रख सकते हो आप, लेकिन अगर दोनों का नेम सेम नहीं है, यानी एक का नेम ए है और दूसरे का नेम बी है, तो फिर दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि दोनों में से एक सिलेक्ट हो तो फिर दोनों का नाम क्या करना पड़ेगा? सेम रखना पड़ेगा। तो उनमें से फिर एक ही दोनों में से सिलेक्ट। लेकिन चेकबॉक्स में ऐसे नहीं होता, चेकबॉक्स में चाहे आपने नेम सेम भी रख दिया फिर भी दोनों ही सिलेक्ट हो सकते हैं। यानी चेक बॉक्स में एक कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ एक को सेलेक्ट करें, आप एक को भी कर लें या मल्टीपल भी कर लें। अगर आपने 5-6 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट करना है फिर हम रेडियो यूज करते हैं, और अगर उनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं तो फिर हम चेक बॉक्स यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें यहाँ पे हमारे पास मैंने आपको रिक्वायर्ड भी बता दिया, उसके एक और हमारे पास होता है ऑप्शन, उसको हम बोलते हैं फॉर। एक एट्रीब्यूट होता है जो हम लेबल पे लगाते हैं, उसका नाम क्या होता है? फॉर। अच्छा, इसमें क्या होता है हम बताते हैं, जैसे यूजर नेम हमने लेबल में क्या रखा है, फॉर में क्या रखा है? यूजर नेम। हम आईडी लगाएंगे इनपुट के ऊपर, उसकी वैल्यू रखेंगे यूजर नेम। तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर मैं नेम पे भी क्लिक करूंगा ना तो ये फोकस कर देगा। जैसे अब मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको फोकस कर रहा है। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने नेम पे फार लगाया। हाँ, अगर मैं ये वाली आईडी फार लगाऊं नेम पे और इसकी आईडी लगा दूं पासवर्ड पे, तो क्या होगा कि मैं जैसे ही नेम पे हिट करूंगा तो पासवर्ड हाईलाइट होगा। क्यों? क्योंकि हमने फार लगाया है नेम पे और लेकिन उसके अंदर जो आईडी यूज की है वो किस पे लगा दी है? पासवर्ड पे। तो अब उसने दोनों को मैच करना है, जहां पे मैच होगी उसको उसने हाईलाइट कर देना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फार का एट्रीब्यूट लगाएंगे उसी, यानी हम हर टैग पे आईडी लगाएंगे और जिधर लेबल लगाएंगे उसमें फार का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर वो आईडी पास करेंगे। जैसे पासवर्ड की आईडी लगा दें हम पासवर्ड, और अगर इसके लेबल पे हम एट्रीब्यूट लगा सकते हैं फार का और उसके अंदर हम वैल्यू क्या देंगे? पासवर्ड। तो क्या होगा कि पासवर्ड पे क्लिक होगा तो ये हाईलाइट होगा, इस पे क्लिक होगा तो ये हाईलाइट होगा। यानी अंदर टैप करके तो हम पहले भी कर पा रहे थे, लेकिन लेबल पे भी टैप करके हम फोकस कर पा रहे हैं। तो ये ऑटो फोकस करता है टेक्निकली हमारे पास। सर, ये नंबर का बता दें, नंबर कुछ जगह पे फॉर्म पे रिक्वायर्ड होता है कि कुछ जगह पे हम 0 नहीं डाल सकते, 92 डालते कंट्री कोड, हां वो कैसे होता है? अच्छा, अब कुछ तो मैन्युअली जैसे हमने लगाया ना नंबर पे, हम लिख दें रिक्वायर्ड, यहाँ पे नंबर पे हमने लगाया है रिक्वायर्ड, लगाया नहीं था, अभी हम लगा देते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो मैक्स और मिन की भी लेंथ है। लाइक मैं इसमें कह दूँ कि इसमें 1000 मैक्सिमम आ सकता है, 100 मैक्सिमम आ सकता है, मिनिमम इसमें 10 आ सकता है। अब हमने इसमें लगाया तो हम नंबर के अंदर
अच्छा इसमें हम अब लिख पा रहे हैं ना, इसकी जो लेंथ मैंने सेट की है मैक्सिमम, एक तो उसकी लेंथ छोटी हो रही है, दूसरा अब अगर मैं इसको नहीं करूंगा, इसमें कुछ भी नहीं लिखता था, सपोज इसको रिफ्रेश करते हैं, हम एंटर करते हैं तो वो मुझे बोलेगा कि इसको एंटर करो, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको इसमें नंबर डाला, अब वो मुझे सबमिट करने पाएगा, अदरवाइज नहीं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस मैक्सिमम जिस तरह मैंने इसकी लेंथ को सेट किया है, तो हमारे पास मैक्स लेंथ सेट करने का भी ऑप्शन है, तो उसमें क्या होगा कि आप एक लेंथ जितना नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं, 10 लेंथ जितना, 5 लेंथ जितना, कितना हमने सेट करना है। अब इसके बाद अगर आपने कंडीशन लगानी है ना कि इसमें ये होना चाहिए, ये नंबर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें, ये लॉजिक है, ये जावास्क्रिप्ट में होता है, ये एचटीएमएल में नहीं होता। एचटीएमएल का मतलब है सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, लाइक इनपुट को बड़ा दिखाना है, छोटा दिखाना है, उसमें नंबर आ सकते हैं नहीं आ सकते, बाकी की लॉजिक फिर हम आगे जाकर डिफाइन करते हैं कि इसमें हम किस तरह का डाटा शो करें। हाँ मतलब पासवर्ड 8 डिजिट का हो, यानी इसको वैलिडेशन बोलते हैं टेक्निकली, कि नेम के अंदर ये कैरेक्टर आने चाहिए, नेम स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ईमेल इस तरह से होनी चाहिए, ईमेल में ऐट द रेट आने, यानी कुछ बेसिक वैलिडेशन तो अगर आप देखें अभी भी चल रही है। मैं सबमिट करूँ तो वो कह रहा है रिक्वायर्ड है, लेकिन मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ उसके ज़्यादा हम इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे, लाइक मैंने ये एंटर कर दिया लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें 8 कैरेक्टर का नाम हो, ये वैलिडेशन फिर हम HTML से नहीं लगा पाएंगे, तो उसको लगाने के लिए हमें फिर जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो HTML का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करना, चाहे यूज़र को इन्फॉर्मेशन दिखानी है स्ट्रक्चरल टैग्स की मदद से या फॉर्म की मदद से। CSS का मतलब है इसको डिज़ाइन करके प्रॉपरली खूबसूरत बनाना, और जावास्क्रिप्ट का मतलब है कि इसके अंदर लॉजिक्स लगाना कि अगर ये नाम है तो ठीक है या नहीं, अगर ये ईमेल है तो ठीक है या नहीं, यानी प्रॉपर वैलिडेशंस करना। तो तीनों के इस्तेमाल से हम एक वेबसाइट कंप्लीट बना सकते हैं। वो इसलिए की है, देखो हम चाहते हैं नॉर्मली अगर हम लेबल, जैसे हमने यहाँ पे नंबर पे शायद लेबल नहीं लगाया था ना, मैं इस पे इस नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं पासवर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये फोकस हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है और किस फील्ड को इसने फोकस करना है, यानी मैं चाहता हूँ पासवर्ड लेबल पे क्लिक हो तो उसकी ये वाली फील्ड फोकस हो, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, दो चीज़ें, एक तो हमें फॉर का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है लेबल के ऊपर, और एक आईडी का एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है जिस पास जिस फील्ड को हमने फोकस कराना है, तो और उन दोनों की वैल्यू को हमें सेम करना पड़ता है। तो अगर इस टेक्स्ट पे क्लिक होगा ना तो टेक्निकली ये वाली इनपुट क्या होगी, फोकस हो जाएगी, ये फर्क है। लाइक अगर हमने क्या किया यहाँ पे, अभी हम फॉर लूप खत्म कर देते हैं और आईडी भी खत्म कर देते हैं, तो समटाइम यूजर क्या होता है वो ब्लाइंड होता है, वो यहाँ पे तो मैं क्लिक करके कर पा रहा हूँ पासवर्ड, समटाइम वो पासवर्ड पे वो देखता है यहाँ पासवर्ड, तो वो इस पे क्लिक करता रहता है, इस पे क्लिक कर रहा है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। तो इस मसले के हल के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल इनपुट है उस पर एक आईडी लगाते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, जैसे मैंने ABC लगाई, और फिर हम फार का एट्रीब्यूट लगाते हैं जो हमारा लेबल का एट्रीब्यूट है, और उसमें हम लगाते हैं ABC, ठीक है। और जब हम अब हम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑटो फोकस हो जाएगा, ये फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट सेम। डिज़ाइनिंग जो है वो CSS से हो सकती है, वो HTML से नहीं हो सकती है, तो फिर हम स्टाइल शीट से इसको अलाइन करना है सेंटर, सही। उससे पहले अगर हम करना चाहें तो वो फिर हम क्या कर सकते हैं, टेबल का टैग हमने देखा है कि वो मल्टीपल कॉलम्स बना देता है, तो 2-3 कॉलम उसकी विड्थ बना के सेंटर वाले टैग के अंदर हम चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। नहीं अभी अभी ये अलाइन नहीं नज़र आ रहा ना, तो अगर हम इसको क्या करें, एक टेबल टैग बना लें, उसमें टेबल की रो बना लें, और उस टेबल की रो के अंदर कॉलम बना लें ना, तो उसमें क्या होगा कि वो फिर ज़्यादा अलाइन होगा, जैसे अब ये बिल्कुल अलाइन आ रहा है ना, अगर हमने इसको सेंटर में करना है टेबल को 100% विड्थ करके, तो 2 रो साइडों से जोड़ दें तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर में हमें शो कर देगा, तो थोड़ा सा हमें इसमें करना पड़ता है, लेकिन टेबल टैग से हो जाता है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सेंटर में आ रहा है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है कि हम वो स्ट्रक्चर डिफाइन कर पा रहे हैं या नहीं, सही है। ऑल सेट, फॉर्म्स में हमने कवर कर लिया, आज हमारा जो HTML की जो बेसिक बेसिक्स हमारे टैग्स थे वो हमने कवर कर लिए,
कि HTML में फॉर्म्स कैसे बनते हैं, टेबल्स कैसे बनते हैं, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, डिव टैग क्या है, स्पैन टैग, स्ट्रक्चरल सेमेंटिक, इनलाइन, इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट हम कुछ एक्स्ट्रा टैग्स हैं वो देख लेते हैं और फिर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, वो नॉर्मली तो अवेलेबल HTML में ऑप्शन नहीं है इसको विजिबल करने का, लेकिन एक ऑप्शन होता है, कैसे करते हैं, हम इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके अक्सर हम लिखा हुआ पासवर्ड भी देखना चाहते हैं ना, तो हम ये वाला एक बार बना हुआ है इस पर क्लिक करते हैं, इसके ऊपर आगे आपने होवर करना है तो आपके पास वो सेम टैग यहाँ पे शो हो जाएगा। इसकी टाइप को हम टेक्स्ट कर देते हैं शो, और दोबारा टाइप को पासवर्ड करें तो पासवर्ड हो जाएगा, टाइप को टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट हो जाएगा। तो इस तरह से होता है अक्सर, आप हम ऑटो फिल कर लेते हैं ना पासवर्ड, फिर भूल जाते हैं, फिर इंस्पेक्ट करके उस पर होवर करना है, उसकी टाइप को टेक्स्ट करेंगे तो हम उसका पासवर्ड देख सकते हैं। आपने टेक्स्ट कर दिया, अब इसमें नंबर भी लिख सकते हैं, अब तो कुछ भी लिख सकते हैं ना। वो ब्राउज़र का ऑटो फिल फीचर होता है, वो हम नहीं कुछ कर सकते, वो फॉर्म हम टैग लगाते हैं, ब्राउज़र खुद से अंडरस्टैंड करता है और वो सेव कर लेते हैं अपने पास और उनको ऑटो फिल करता है, वो उसका HTML से लिंक नहीं है। हाँ, वो भी जावास्क्रिप्ट से होगा, यानी वो हम बटन लगाएंगे, एम्प्टी एक इमेज लगाएंगे, उस पर क्लिक करने पर हम इसी इनपुट टाइप को टेक्स्ट या पासवर्ड में चेंज करेंगे। हाँ, ये अच्छा है कि वो पहले से चेकड होता है, जैसे अभी ये अनचेकड है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, चेक बॉक्स इनपुट टाइप चेक बॉक्स ना, हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है चेकड, क्या होता है चेकड, अगर ये ट्रू है तो ये क्या होगा, पहले से ही चेकड हो जाएगा, अनचेक आप कर सकते हैं लेकिन बाय डिफॉल्ट चेकड आएगा, सही है, तो इसका मतलब है कि ये पहले से चेक हुआ हुआ है। समटाइम ऑटो फिल होती है ना चीज़ें, तो वो पहले से चेक कर देते हैं। अच्छा, एक और भी ये, अगर आपने नाम पहले से एंटर करना है तो हमारे पास उसके लिए एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, क्या एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, तो इसमें हम नाम लिख सकते हैं नवीद, जैसे मैं लिखता हूँ तो क्या होगा कि ये पहले से लिखा हुआ होगा, मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो ये पहले से लिखा हुआ है, फिर मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन रिफ्रेश करके आऊँगा तो ये पहले से लिखा हुआ आएगा, तो ये कैसे आ रहा है वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से। हाँ, तो वो तो ड्रॉप डाउन है ना ऑप्शंस। सर्च के अंदर जब लिखते हैं नीचे से, हाँ वो भी जावास्क्रिप्ट से आएगा, वो भी ऐसे नहीं आता, यानी हम ये ऐसे लिखते हैं तो नीचे से सजेशंस आ रही होती हैं जब हम सर्च कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं ऑटो कंप्लीट सर्च, लेकिन ऑटो कंप्लीट सर्च बाय डिफॉल्ट HTML में नहीं होता है, उसको हमें जावास्क्रिप्ट से लॉजिक लिखना पड़ती है। सर्च टेक्निकली फॉर्म ही है ना, यहाँ यूज़र से इन्फॉर्मेशन ही ले रहे हैं, यूज़र जो सर्च करना चाह रहा है उसकी बेस पर हम उसको कंटेंट दिखाएंगे। ऑल सेट। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, पहले आप लोग सब बैठ के जितने हमने ये टैग लगाए हैं वो सब सिस्टम पे टैग लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ फॉर्म जो हमने आज पढ़ा है, उसके बाद हम दोबारा 8:30 पे शुरू करके जो कुछ 10-12 टैग्स हैं एक्सटर्नल वो करके फिर क्लास ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों की ये HTML आज ख़त्म हो जाए, नेक्स्ट वीक होपफुली आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा HTML का, सही। जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो ये है कि हमारे पास HTML में एक स्पेशल करेक्टर करके कोई चीज़ होती है, जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, HTML में स्पेशल करेक्टर बना सकते हैं, जैसे हम अक्सर देखते हैं ना कॉपीराइट का है, वो सी करके करेक्टर बना होता है, वो कैसे बनता है HTML में कि हम एंड साइन यूज़ करते हैं और उसके साथ COPY कॉपी और सेमी कॉलन, इससे क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जब हम एट द एंड साइन COPY कॉपी कॉलन सेमी कॉलन यूज करते हैं तो इसकी आउटपुट में हमें हमारे पास ऐसे सी का करेक्टर बन जाता है, यानी अगर आप करेक्टर यू बनाना चाहते हैं HTML में
जैसे अब अगर हम लेस देन का करेक्टर बनाना चाहते हैं तो एट द रेट एंड एल टी लाइक लेस देन ग्रेटर देन, ये मैंने सारे बना दिए। अगर अगर लेस देन, अगर हम ये वाला लेस देन लगाएं तो क्या होगा, क्योंकि इसका मतलब तो टैग बनाना होता है ना, तो वो HTML उसको दिखाएगा नहीं आपको आउटपुट के ऊपर। इसी तरह आपने ग्रेटर देन साइन बनाना है तो उसको वो दिखाएगा नहीं आपकी आउटपुट पे, यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो अगर हमें ऐसे लेस देन ग्रेटर देन का टैग लगाना है तो उसके लिए हम फिर क्या करते हैं, एंड स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं। तो सी ओ पी वाई स्पेशल कैरेक्टर का मतलब कॉपी होता है, और इसकी आउटपुट में ये ऐसे नजर आता है। और फिर अगर आपने लेस देन साइन बनाना है आउटपुट में तो एंड एल टी फिर कॉल सेमी कॉलन फिर एंड जी टी ग्रेटर देन साइन फिर एम्फर साइन अगर बनाना है ये वाला, कोटेशन बनानी है, कॉपी बना लिया, रैक बनाना है, आर जी टी एम का टैग वो बनाना है, ट्रेड जिसे कहते हैं तो वो ट्रेड करके इस तरह आ जाएगा। तो इसे अगर हमें स्पेस डालनी है, लाइक अगर हमने स्पेस डालनी है, नॉर्मली तो एक ही जब लोरम के बाद मैं ऐसे स्पेसेस डालता भी रहूं तो वो एक ही स्पेस आती है। तो अगर हमें स्पेस वाक्य में डालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, एंड साइन एन बी एस पी, तो वो उससे क्या होगा एक स्पेस आ जाएगी। एक दफ़ा फिर एन बी एस पी करोगे तो एक और स्पेस आ जाएगी, दो दफ़ा करोगे जितनी दफ़ा भी करेंगे हम उतनी स्पेसेस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एन बी एस पी से स्पेसेस ऐड हो रही हैं। ये कुछ इसको क्या बोलते हैं HTML में, स्पेशल कैरेक्टर या एस्केप कैरेक्टर, क्या बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर, कि ये कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिनको आउटपुट देखने के लिए हम फिर ये वाला सेंटेक्स एंड साइन वाला सेंटेक्स और सेमी कॉलन वाला सेंटेक्स यूज करते हैं। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये कॉपी आउटपुट में लिखा नहीं आएगा, कॉपी का साइन बना हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग से अक्सर नोटिस की होगी HTML में, जैसे यहाँ पे W लिखा हुआ है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ पे वर्ल्ड वाला साइन बना हुआ है, इसको बोलते हैं फेबी आइकन। क्या बोलते हैं, फेबी आइकन। तो वो कैसे लगता है, हेड टैग के अंदर हमारे पास लिंक का टैग होता है, उसमें हम डिफाइन करते हैं इसका रेफरेंस, लाइक हम इसको बोलते हैं कि ये एक फेबी आइकन है। ठीक है, और इसके अंदर हम उसका जो है वो पाथ देते हैं। तो अगर हम फेबी आइकन बनाना चाहते हैं, यानी हम यहाँ पे अपना चेंज करना चाहते हैं लिंक, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, फिर फेबी आइकन लगाते हैं। HTML फोर और इसका पाथ हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फेबी आइकन। और अब यहाँ पे देखो ये डाउनलोड वाला बन गया है, पहले इधर क्या आ रहा था, वर्ल्ड वाला साइन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ रहा है, डाउनलोड साइन आ रहा है। इसको कैसे चेंज करते हैं, यानी ये हेड के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है ये तो चेंज होता है ना थ्रू टाइटल के टैग से, लेकिन उसके साथ जो आइकन बना होता है वो कैसे चेंज होता है, फेबी आइकन उसको बोलते हैं। वो फेबी आइकन कैसे चेंज होता है, उसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आपने क्या करना है, लिंक का रिलेशन डालना है आइकन, क्या डालना है, यानी एक लिंक टैग है उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है रिलेशन, उसको हमने आइकन सेट करना है। फिर HRF में हमने पाथ दे रहे हैं जहाँ पर वो आइकन है, और टाइप के अंदर हमने उसको बताना है ये इमेज एक्स आइकन है, ये एक हम आइकन शो करना चाहते हैं। तो ये कुछ चेंजेस के साथ, और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है लिंक, तो हम लिंक का टैग यूज करते हैं फेबी आइकन को डिस्प्ले करने के लिए। तो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, एक तो स्पेशल कैरेक्टर कैसे डिस्प्ले करने हैं आउटपुट में, और दूसरा फेबी आइकन जो है वो कैसे लगाना है। तो फेबी आइकन लगाने के लिए हम हेड में लिंक का टैग लगाते हैं, उसके अंदर तीन एट्रीब्यूट है, रिलेशन HRF और टाइप। रिलेशन में हम बताते हैं कि आइकन है, HRF में हम बताते हैं कि इसका पाथ किधर है, और
टाइप में बताते हैं कि ये एक फेवी आइकन है, इमेज एक्स आइकन, इससे पता लगता है कि ये एक आइकन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेटा टैग के बारे में हमने देख लिया था लास्ट टाइम, उसके अलावा हाँ यूट्यूब की वीडियो कैसे लगानी है ये भी अक्सर हमें लगानी पड़ सकती है ना, तो हम कोई भी देख लेते हैं वीडियो, जैसे ये कोई वीडियो है, इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा शेयर, शेयर के साथ यहाँ पे लिखा होगा एम्बेड, एम्बेड के साथ यहाँ पे ना सारा कोड लिखा हुआ है, उसको कॉपी कर लेंगे उस कोड को, और नहीं वो कोड के अंदर सारा कुछ लगा तो उसको हम बोलते हैं आई फ्रेम, क्या बोलते हैं आई फ्रेम, तो वो आई फ्रेम का टैग मुझे बना बनाया मिल जाएगा, तो अगर आप इसको फॉर्मेट करो तो हमारे पास आई फ्रेम समझो ये एक टैग है जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, ठीक है, और इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट हैं, तो अगर मैं उसके एट्रीब्यूट को लाइन में लेके आऊँ ताकि हमें समझ आए कि इसके ओपनिंग टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट आ सकते हैं, चाहिए इसके आई फ्रेम के जो है ना कुछ एट्रीब्यूट हैं, विड्थ का मतलब क्या होगा चौड़ाई, हाइट का मतलब कितनी हाइट रखनी है, तो अगर आप अभी देखें यहाँ पे तो ये आने लगी है वीडियो इधर ना, तो इधर ही प्ले भी हो सकती है, समझ रहे हो, तो इसका ये एक मतलब है। उसके बाद यहाँ पे टाइटल का मतलब आ गया, जो यहाँ पे टाइटल आ रहा है ना इसके ऊपर टाइटल शो होता है ये वाला, उसके बाद फ्रेम बॉर्डर, इस पर हमें बॉर्डर लगाना है या नहीं, अलाउ के अंदर ऑटो प्ले और कुछ इसके फीचर्स हैं वो हमने सेट कर देने हैं। अलाउ फुल स्क्रीन क्या करेगा कि हमें ऑप्शन देगा यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के लिए, तो ये आई फ्रेम। अच्छा, आई फ्रेम का टैग जरूरी नहीं कि हमने वीडियो के लिए यूज़ करना है, आई फ्रेम का टैग हम किसी एक, आई फ्रेम का मतलब ये है कि हम नॉर्मली एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट में अगर शो करना चाहते हैं, तो अगर एक वेबसाइट बनी हुई है उसको हम किसी दूसरी वेबसाइट में शो करना चाहते हैं, जैसे अगर हमारे पास ये एक W3 स्कूल की वेबसाइट है, इसको हम अपनी वेबसाइट में लगाना चाहते हैं कि यूज़र इसके ऊपर ना जाए, हमारी वेबसाइट में इस वेबसाइट को चला ले, तो हम क्या करते हैं आई फ्रेम का ट्रैक लगाते हैं, तो आई फ्रेम और इसमें हम देते हैं सोर्स, किस वेबसाइट को उसने दिखाना। अच्छा, अब सम वेबसाइट रिफ्यूज़ कर देती हैं कि वो कनेक्ट नहीं करने देती हैं और कुछ अलाउ भी करती हैं, तो डिपेंड करता है कि कौन सी वेबसाइट रिफ्यूज़ कर रही है कौन सी नहीं कर रही, तो मैं अपने वाली का लगा के देखता हूँ ये वाली अलाउ है या इस पर नहीं, तो इसमें अगर देखें ना कि एक हम एक नई वेबसाइट बना रहे हैं उसमें हम पूरी एक दूसरी वेबसाइट चला सकते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे जब जब रिजल्ट वगैरह आता है तो वो वेबसाइट बोर्ड की नहीं होती लेकिन उसमें से रिजल्ट रोल नंबर लिखे तो रिजल्ट आ रहा होता है, तो उसमें वो क्या करता है वो बोर्ड की वेबसाइट को आई फ्रेम के अंदर अपनी वेबसाइट में लगा लेता है, उससे क्या फ़ायदा होता है ट्रैफिक सारी उसकी वेबसाइट पर आ जाती है, फिर उसको बेनिफिट होता है, तो वो कैसे होता है वो आई फ्रेम के टैग से होता है, तो आई फ्रेम के टैग से हम यूट्यूब की वीडियो लगाते हैं, यानी आई फ्रेम का मतलब ये है कि एक फ्रेम के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट को ओपन करना, ये हमारी वेबसाइट में किसी दूसरे की वेबसाइट को ओपन करने को हम आई फ्रेम बोलते हैं, तो अब YouTube की तो दूसरी वेबसाइट ही है ना, तो उसको अगर हमें अपनी वेबसाइट में लगाना है तो हम क्या करते हैं आई फ्रेम का टैग यूज करते हैं। इस नहीं कॉपीराइट नहीं आता, लेकिन कुछ वेबसाइट अपनी आई फ्रेम की फीचर को बंद कर सकती हैं, जैसे मैंने W3 स्कूल को लगाया था ना तो वो क्या कह रहा था, वो इजाज़त यानी W3 स्कूल इजाज़त नहीं दे रहा कि हम उसकी वेबसाइट को अपनी वेबसाइट में लगाएं, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट को बंद कर दूंगा तो फिर नहीं होगा, तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अलाउ करते हैं या नहीं आई फ्रेम में वेबसाइट खोलना, लाइक मेरी वेबसाइट है ना अगर, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं उसको अलाउ करूँ या ना करूँ। टेक्निकली तो वो उसको भी व्यू जाता है लेकिन हमारे वेब पेज पे भी व्यू आता है, यानी दोनों को व्यू कंसीडर होता है, तो
तो इसीलिए लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है कि वो समटाइम लगाते हैं, समटाइम अलाउ करते हैं, समटाइम नहीं, जैसे हमने किया हुआ। लेकिन उससे ये भी उसको नुकसान होता है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आती है, तो दोनों के लिए यानी मिडल मिडल ग्राउंड ही है एक तरह से। अच्छा, उसके बाद फेवी आइकन हमने देख लिया और टेबल स्टीप क्लासेस आई फ्रेम। अच्छा, एक कैनवस का टैग होता है, वो नॉर्मली तो जावास्क्रिप्ट के साथ चलता है, लेकिन उसका बेनिफिट काफ़ी होता है। जैसे ये एक मैंने कैनवस टैग लगाया, इससे क्या होता है कि हम अक्सर आपने देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम डायग्राम ड्रा कर सकते हैं, हम कोई भी ग्राफ बना सकते हैं चीज़ें। वो अब HTML में प्लेन तो ऐसे टैग हमने कोई पढ़ा नहीं ना जिससे ग्राफ बन जाए, डायग्राम बन जाए, गेम्स बने, तो ऐसा ऐसा मुमकिन है। उसके लिए कैनवस का एक टैग होता है, कैनवस टैग, लेकिन वो प्योरली अकेला HTML से नहीं चल सकता, उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट भी लिखनी पड़ती। लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा गेम्स टाइप, कोई वीडियो या कोई ऐसा जो है, ऐसा ही कोई चीज़ आपको नज़र आए जो आपने आज तक नहीं पढ़ी, तो आपने समझना है वो SVG लगी हुई है, यानी HTML में एक टैग यूज हो सकता है SVG या कैनवस। तो कैनवस और SVG ऐसे टैग्स होते हैं जिनकी मदद से हम डायग्राम्स बनाते हैं, हम उनकी मदद से हम जो है वो ग्राफ बनाते हैं। तो अक्सर ग्राफ आपने देखे होंगे ना, वो भी तो HTML में नज़र आ रहे होते हैं। अब अगर इस तरह का ग्राफ HTML में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो अभी तक तो हमने नहीं देखा ना कुछ इस तरह, तो वो फिर हम कैनवस से ड्रा करते हैं इसको। 3.js करके है एक लाइब्रेरी, ऐसे जैसे 3D चीज़ें बनानी हैं, जैसे अब ये देख रहे हो ना 3D बन रहा है, लाइक यहाँ पे ये एक एंगल एक पिक्चर आ रही है। अब ये देखो मैं माउस मूव कर रहा हूँ तो ये चीज़ इस तरह से। अब आप देखें तो यहाँ से हमने कोई ऐसा टैग तो नहीं पढ़ा ना जो इस तरह की चीज़ बना दे हमें, तो ये कैसे बनता है, इससे फिर हमें कैनवस बनाना पड़ता है इसका, या SVGs लगती हैं ये, तो इसको भी हम फ्यूचर में देखेंगे। लेकिन पूरा इस तरह का 3D भी चीज़ें बन सकती हैं। जावास्क्रिप्ट इसमें इस्तेमाल होती है, लेकिन कैनवस से भी काफ़ी हद तक ये चीज़ें बना सकती हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से बस बेसिक यही HTML है, इसको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं कवर तो हमारा HTML के जो ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो जाएंगी। तो कल इंशाल्लाह एग्ज़ाम करके फिर दोबारा हम आगे CSS शुरू कर देंगे, सही है।